तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है सेफ्टी पॉलिसी। तो चले जानते हैं सेफ्टी पॉलिसी क्या होती है। तो सेफ्टी पॉलिसी की डेफिनेशन है, एन ऑर्गेनाइजेशंस सेफ्टी पॉलिसी इज रिकॉग्नाइज्ड रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ इट्स कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज। तो सेफ्टी पॉलिसी एक ऐसी रिटर्न स्टेटमेंट है जो कि एम्प्लॉयर कमिट करता है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी से एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करेंगे, एज वेल एज द सराउंडिंग कम्युनिटी। तो उसके साथ सराउंडिंग कम्युनिटी को भी प्रोटेक्ट करता है हेल्थ एंड सेफ्टी के द्वारा। तो ये एम्प्लॉयर सेफ्टी पॉलिसी स्टेटमेंट में कमिट करता है। सेफ्टी पॉलिसी ऑल्सो डिटेल्स द मेजर द पॉलिसी टेक एंड विल टेक अ प्रोटेक्ट द लाइफ लिम एंड हेल्थ ऑफ देयर एम्प्लॉयज। तो सेफ्टी पॉलिसी में डिटेल में मेजर किया जाता है कि कंपनी एम्प्लॉयज की लाइफ लिम का मतलब होता है शरीर या बॉडी एंड हेल्थ। तो सेफ्टी पॉलिसी में कमिट किया जाता है कि वह एम्प्लॉयज की लाइफ को, उसके शरीर को और उसके हेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगी बाय हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, ऑफन सरपासिंग द रिक्वायरमेंट सेट आउट ऑफ बाय द लॉ बाय द स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो कुछ लॉ और स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस वो हेल्थ एंड सेफ्टी के द्वारा इंडस्ट्री में कंपनी करा लेती है। तो होप आपको सेफ्टी पॉलिसी क्या होती है समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी या HSE पॉलिसी को सेक्शन होते हैं। तो उसमें सबसे पहले है स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिसी। तो उसमें है द एम्प्लॉयर्स कमिटमेंट टू मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एंड द गोल ऑफ द पॉलिसी। तो एम्प्लॉयर कमिट करता है और मैनेज करता है कि वो एम्प्लॉयर्स के हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रोटेक्ट करेगा। सेकंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है स्टेटिंग हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग इनेक्टिंग एंड ट्रैकिंग ईच एलिमेंट ऑफ द पॉलिसी। तो HSE पॉलिसी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है हर एक एम्प्लॉयज पे या एम्प्लॉयर्स पे कि वो रिस्पॉन्सिबल लेता है कि वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे, इनेक्ट करे और ट्रैकिंग करे। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ प्रोसीजर। तो इसका मतलब है आउटलाइंस द डिटेल्स ऑफ प्रोसीजर इंक्लूडिंग द रिड्यूसिंग ऑफ हजार्ड। जो भी वर्कशॉप पे हजार्ड्स होगा तो वर्कशॉप पे जितने भी हजार्ड्स होंगे उसको हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के द्वारा रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये कुछ सेक्शन थे HSE पॉलिसी के। नेक्स्ट है पॉलिसी इंक्लूड। तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में कुछ एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए हुए। तो चलिए जानते हैं। थे एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स, यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, हजार्ड्स आइसोलेशन, लॉकिंग, वार्निंग साइंस एंड सिंबल्स, मार्किंग एंड हजार्ड्स। सेकेंड है यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट है रिमूविंग हजार्डस मटेरियल और रिप्लेसिंग देम विथ लेस हार्मफुल अल्टरनेटिव। इम्प्रूव लाइटिंग एंड वर्किंग एनवायरमेंट। नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ स्लिप ट्रिप एंड फॉल इंसिडेंट। तो ये सब एलिमेंट्स हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में इंक्लूड्स किए जाते हैं एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मैं आपको हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का एक सैम्पल PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो होप HSE पॉलिसी या सेफ्टी पॉलिसी क्या होता है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप सेफ, कीप लर्निंग।